नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएल न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल झूठे और छलावे से भरे रहे। इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ अखिलेश यादव के द्वारा किए हुए कार्यों का उद्घाटन और उनकी योजनाओं का शिलान्यास किया। ये बात कही है समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे पवन पांडे ने। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने शहर के सिविल लाइन स्थित होटल के सभागार में आहूत पत्रकार वार्ता के दौरान योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खूब चुटकी ली और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर रामनगरी अयोध्या और यहां की जनता को अपना समझते हैं तो उन्हें चाहिए कि अयोध्या नगर निगम को कर मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में इन 4 साल में लूट, हत्या, डकैती, फर्जी एनकाउंटर और बलात्कार जैसे अपराध बढ़े हैं। यही योगी सरकार की उपलब्धि है। पत्रकार वार्ता के मौके पर पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन और सपा के पदाधिकारियों ने हाथों में कई तरह के स्लोगन लिखी तख्ती लिए नजर आए, जिनमें योगी सरकार के 4 सालों में किए गए कार्यों का विरोध साफ झलक रहा था। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व राज्य मंत्री के अलावा सपा महानगर के महासचिव हामिद जाफर मिशम, वरिष्ठ सपा नेता छेदी सिंह, प्रवक्ता बलराम यादव, मोहम्मद हलीम, पप्पू के अलावा कई सपा नेता भी मौजूद रहे। अयोध्या से केपीपीएन न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार की नाकामियों के, असफलता के, अराजकता के, उत्तर प्रदेश में लूट के, सरकारी लूट के, सरकारी अधिकारियों द्वारा लूट के, हत्या डकैती के, बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाने के, नौजवानों को लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी ना दे पाना, किसानों को मौत उनके मुंह में ढकेलने वाली सरकार के 4 साल आज पूरे हुए हैं और हम इसी तरह इस सरकार को देखते हैं कि नाकाम और अक्षम मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने आज 4 वर्ष पूरे किए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश सहित ये अयोध्या इन 4 वर्षों में केवल ठगी और छली गई है। भाजपा के नेता, इनके मुख्यमंत्री, इनके पदाधिकारी बताते थे हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश को तरक्की और विकास के पथ पर ले जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश किस तरक्की और विकास के पथ पर जा रहा है जरा बता दीजिए। फर्जी होल्डिंग लगाती है सरकार, शर्म नहीं आती। 4 वर्षों में 5 एक्सप्रेसवे, अभी तक तो उत्तर प्रदेश में हमने 2 ही एक्सप्रेसवे बनाना, वो दोनों अखिलेश यादव जी की देन, लखनऊ आगरा आदरणीय अखिलेश जी की देन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसका शिलान्यास से लेकर के पैसा आवंटन से लेकर किसानों को भूमि का मुआवजा देने तक का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया। और ये बताते हैं कि हमने 4 साल में 5 एक्सप्रेसवे, इतना झूठ बोलने वाली सरकार दूसरी नहीं हुई है। झूठ बोलने वाली सरकार के 4 साल पूरे हुए। भाइयों बंधुओं पूरे हुए और वो 4 वर्ष पूरे हुए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सहित पूरी अयोध्या छली और ठगी गई है। कोरे सपने दिखाने वाले आज 4 वर्ष पूरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी के आज 4 वर्ष पूरे हुए हैं। लूट, बलात्कार, अपराध, अराजकता, सरकारी लूट, इन 4 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया था, आज उसको पटरी से हटाने का काम विकास की जगह किया है। आज आंकड़े किसी सरकार के हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हैं कि इन 4 वर्षों में अक्सों में अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, हत्या डकैती बढ़ी है, लूट बढ़ा है, बलात्कार बढ़ा है, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, बहन बेटियां पेट्रोल से जलाई जा रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ उत्तर प्रदेश सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश इन 4 वर्षों में केवल ठगा और छला गया है और आज जो 4 वर्ष पूरे हुए, जो इन सरकार की कुछ उपलब्धियों को बताना चाहता हूं, ये अखबारों में, चैनलों में तो बड़े बड़े विज्ञापन दिखा करके अपना टेंट माइक लगा करके तो अपनी